एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को इस वक्त जो वॉर जोन से सामने आ रही है, और बड़ी खबर ये है कि ठंड की वजह से और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रूस ने कई तरह के आरोप लगाए, अमेरिकी ड्रोन की मदद से रूसी जहाज पर हमला हुआ, जो सेवेस्तोपोल में रूस के नेवी जहाजों पर अटैक किया गया, ब्लैक सी फ्लीट पर हमला जो किया गया उसमें यूक्रेन का साथ अमेरिका ने दिया। यूक्रेन अकेले ऐसा नहीं कर सकता था, अमेरिका ने साथ दिया सेवेस्तोपोल हमले में, और उसके बाद ये आशंका बढ़ गई। ये रूस आरोप लगा रहा है हमले में 9 यूएवी और 7 मरीन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। रूस ने आरोप लगाया है कि इसमें अमेरिकी ड्रोन की मदद ली गई है। तो रूस पर आघात और अमेरिकी ड्रोन का हाथ, ये रूस आरोप लगा रहा है। क्या कुछ कहा है रूस ने आपको बताते हैं। जैसे ये आप मैप देख रहे हैं, और जो सेवेस्टोपोल अगला निशाना था यूक्रेन का। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किस तरह से आघात पहुंचा रूस को, अमेरिका पे कैसे इल्जाम लगाया जा रहा है। रूसी पब्लिकेशन प्रावडा का दावा है कि अमेरिकी जासूसी ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक से मदद संभव है। अमेरिका ने खुलकर मदद की है यूक्रेन की इस हमले के लिए। आगे लिखा है ब्लैक सी में अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को देखा गया, रूस ने आरोप लगा दिया है। आगे बढ़ेंगे, अमेरिकी ड्रोन ने नाटो के कैचनिया एयरबेस से उड़ान भरी। ये बाकायदा पब्लिकेशन में लिखा गया है कि अमेरिका ने साथ दिया था। सेवेस्टोपोल बे पर लंबे वक्त तक देखा गया अमेरिकी ड्रोन, अमेरिकी ड्रोन का सहारा लिया गया, यूक्रेन को सहारा दिया गया। अमेरिका के जासूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सेना को इंफॉर्मेशन ये दी कि वो आ चुके हैं। ये इस पूरे पब्लिकेशन में छपा है। ये रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से मामले की जांच की जा रही है। अब रूस का जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो इस मामले की जांच कर रहा है कि अमेरिका का कितना हाथ था। अब एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ब्लैक सी फ्लीट पर हमले को लेकर रूस का बड़ा दावा सामने आया है। ग्रेन कॉरिडोर सेफ्टी जोन से दागे गए थे घातक ड्रोन, ये अब रूस कह रहा है। अनाज ले जाने वाले जहाजों से ड्रोन ने उड़ान भरी, ये रूस कह रहा है। ड्रोन में मिले कनाडा के नेविगेशन सिस्टम, ये रूस ने आरोप लगाया है। तो जो अनाज ले जाने वाले सिस्टम थे ब्लैक सी फ्लीट पर हमले को लेकर, रूस ने बड़ा दावा किया है अनाज ले जाने वाले जहाजों से ड्रोन ने उड़ान भरी थी। और जो ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक हुआ उसको लेकर रशिया भी लगातार दावा कर रहा है, और क्या कुछ दावे कर रहा है आपको बताते हैं। 16 ड्रोन से स्ट्राइक की गई, ये रूस कह रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बड़ी बात, अमेरिकी ड्रोन शामिल था इसमें। जो रूस, जैसे मैंने आपको बताया, रूसी पब्लिकेशन दावा कर रहा है कि अमेरिका ने खुलकर मदद की यूक्रेन को। कनाडा का जो नेविगेशन सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया गया था, जो कि ब्लैक सी फ्लीट पर हमला किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश नेवी की अगुवाई में ये ऑपरेशन हुआ था। तो कुल मिलाकर ये जो 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये 4 पॉइंट्स के आधार पर ही रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने जो अटैक किया सेवेस्टोपोल पे, वो अमेरिका की मदद से किया। और यही एक बहुत बड़ा दावा रूस इस वक्त कर रहा है ब्लैक सी अटैक को लेकर। निनाद जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो ब्लैक सी अटैक को लेकर रूस दावा कर रहा है, और डिनी साहब हमारे साथ हैं, निनाद जी हमारे साथ नहीं है इस वक्त, डिनी साहब हमारे साथ हैं। कर्नल डिनी, आपको क्या लगता है, ये जो रूस लगातार एक के बाद एक क्लेम कर रहा है कि ये जो अमेरिका है वो उसने इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन को मदद पहुंचाई, अमेरिकी ड्रोन के सहारे ही अटैक किया गया, ये अब रूस भी जांच कर रहा है इसकी? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमें ये जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका ने सर्वेलेंस या इंटेलिजेंस जो जितने भी यूक्रेन को चाहिए था वो रियल टाइम बेसिस पे उनको दे रहे हैं। और यहाँ पर भी जो अटैक हुआ है, हमें पता है कि जब तक हम देख नहीं पाएंगे कि टारगेट कहाँ है, आप फायर नहीं कर सकते हैं। तो वो देखने वाले काम जो है यूएस ने बहुत बढ़िया तरीके से उनको दिया है, और ताकि उस पर अटैक हो। और अब यूक्रेन बोल रहे नहीं, वो तो कॉरिडोर से 200 किलोमीटर दूर था, हमने नहीं, जो रूस तो ये था। भी कह रहा है डेनिस साहब, रूस ये भी कह रहा है कि कनाडा का सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। जी, कनाडा एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल। तो यूक्रेन को सारे जो नेटो कंट्रीज और यूएस के जितने भी बाकी अलायंस हैं वहां से उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और उसी के वजह से यूक्रेन अभी भी रशिया के साथ में इस तरह का एक काउंटर अटैक दे पा रहा है। नहीं तो वो
बिल्कुल 1 महीने के अंदर में वो बैठ जाता है। लेकिन मैं तभी मैं बोल रहा हूँ यूएस ने पंप कर रहे हैं ये पूरे जितने भी वेपन सिस्टम है उनको दे रहे हैं ताकि वो लड़े, इनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो ये जो उकसावे की कार्रवाई हो रही है, ये जो उकसावे की कार्रवाई हो रही है कि रूस हमला करता है फिर यूक्रेन एक बड़ा हमला कर देता है, हम देखें मस्कोवा के समय से हो रही, मस्कोवा जहाज डुबोया गया, फिर क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया गया, फिर सेवेस्टोपोल में अटैक किया गया, फिर रूस ने मिसाइल अटैक भी बढ़ा दिया जैसे कि मनीष मेरे सहयोगी मॉस्को से बता रहे थे। तो ये हो क्या रहा है? देखिए ये उकसावे की कार्रवाई रुकेगी कब? हाँ ये मैडम देखिए ये युद्ध की एक प्रक्रिया होती है, एस्केलेशन जिसे बोलते हैं, एक करते हैं तो फिर जो अगला जो देश होता है वो दो करता है, फिर वो चार करता है, तो इस तरह से बढ़ते 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 आगे बढ़ते एस्केलेशन लैडर जो बोलते हैं एस्केलेटरी लैडर उसके तरफ ऊपर बढ़ रहा है और इसका अल्टीमेट ये होता है न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ता है। लेकिन अभी तक वो स्टेज में नहीं पहुंचा है, अभी भी रशिया के पास ऐसे कई सारे स्टेजेस हैं उसको एस्केलेट करने के लिए। उन्होंने जो अभी जैसे बचा के रखे अभी यूज नहीं किए, अभी तक यूज नहीं किया है। हाँ जी बिल्कुल, तो अभी जो फूड डील से बाहर आया है तो ये सब चीजें वो एस्केलेशन कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी भी रशिया के पास एस्केलेशन करने के लिए और बहुत ज्यादा स्पेस। ठीक है डिनी साहब, बड़ी बात की तरफ इशारा आप कर रहे हैं कि जो एस्केलेशन की प्रक्रिया यानी आक्रामकता वो और रूस दिखा रहा है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।